बच्चे, हमने लास्ट टाइम जब ये चैप्टर किया था, मतलब चैप्टर का जो टॉपिक हुआ था हमारा, वो कौन सा था? हाफ लाइफ पीरियड तक हमने कवर कर लिया था, और हाफ लाइफ पीरियड के थ्रू होते हुए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटेटिव के लिए हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि वैसे बात करें तो कॉम्पिटेटिव के अंदर भी हमारा सिलेबस सिंक्रोनाइज है, जो मेन्स का, नीट का और बोर्ड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है, बट फिर भी एक बारी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ टॉपिक हम कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हमारे पास है अब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से पहले रेडियो एक्टिविटी समझ में आती है क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा? इट इज द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस ड्यू टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। क्या हो रहा होगा? एक ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्टिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। क्या होता है डिसइंटीग्रेट का मतलब? वो टूट टूट के छोटे पार्टिकल्स में बनता रहेगा और साथ के साथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। इसको कहीं हमें कॉन्टिन्यूसली खुद अपनी ओर से एनर्जी नहीं देनी। तो ऐसा सब्सटेंस जो ये कर सके उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड दिस फिनोमेना ऑफ कॉन्टिन्यूस एमिशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ हम बात करें रेडियो एक्टिव डिके, जाहिर सी बात है एक बड़ी चीज़ यहाँ रखी हुई है, वो कॉन्टिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होती जा रही है, दैट मीन्स वो डिके होती जा रही है, तो हम उसका रेट निकाल रहे हैं। यहाँ पे जैसे आ रहे, इसका अपना एटॉमिक मास कितना है बच्चे? इसका 226, ब्रेक किया 222 और हीलियम के अंदर ये टूट गया हमारे पास, ठीक है ना? ये जो हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियाई था, ये 226 से 222 और 4 के अंदर डिसइंटीग्रेट किया। अब जो रेट आएगा वो क्या आएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या है? जो हमारे पास इनिशियली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, हमारे पास ए से अगर बी हमारे पास क्या बन रहा है बच्चा? हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी की फॉर्मेशन हो रही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, एक रेडियो एक्टिव डिके के अंदर, जिसमें सपोज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए डिकेज टू बी। एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट थे। एन क्या है? वो नंबर ऑफ एटम्स जो कि आफ्टर टाइम टी प्रेजेंट है। एंड लेमडा है डिके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो लेमडा का जो फॉर्मूला होगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन। ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है? ये तो सेम फॉर्मूला आ गया अपने पास, जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था वही डिके कांस्टेंट का, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन ही बता रहा था। डिके कांस्टेंट है जो हमारे पास, वो भी एक तरह से डिके होने की रफ्तार, डिके होने के रेट को बता रहा है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन था इसलिए हमने ये इस फॉर्म में लिख दिया। अगर कहीं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना आ जाए, दैट मीन्स वो रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहे होंगे। देन ये टॉपिक है, ये सीबीएसई ने सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अदरवाइज बात करें तो एक तरह से स्पेशल केस है किसी, है ना? नॉर्मल एक केमिकल रिएक्शन का ही स्पेशल केस है अगर हम डिसइंटीग्रेशन की फॉर्म में ले आते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है बच्चा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड, अदरवाइज क्या था? 0.693 बाय के। यहाँ पे हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज 0.693 बाय लैम्डा। और एक और चीज याद रखना, रेडियो एक्टिव डिके जितने भी होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। डन है? जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? डन। द होल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नेवर डिसइंटीग्रेट, और इन अदर वर्ड्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इज इंफिनिटी। ऐसा दुनिया में कभी होगा ही नहीं कि एक ऑब्जेक्ट 100% तरीके से डिके कर दे। क्यों? वही बात है, जैसे 100 का 50, 50 का 25, 25 का 12.5, 12.5 का फिर और कम हो के 6.75 एंड ऑल चलता रहेगा कि नहीं? है ये कभी ख़त्म तो होगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम पे भी जाके नेग्लिजिबल होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो 100% डिसइंटीग्रेशन कभी किसी ऑब्जेक्ट की होगी नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट 100% तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वो कब होगा? इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है ना? जब टाइम इनफाइनाइट हो रखा होगा, बहुत मतलब अनंत समय में जाके। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला ये लिख लो बच्चा, ये क्या हो रहा होता है? एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। 1 बाय लेमडा, 1 बाय डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, टी हाफ बाय 0.693 आ गया ये, है ना? हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, टी हाफ की वैल्यू। तो अगर हमारे पास टी हाफ की वैल्यू थी, है ना, यहाँ पे ये टी हाफ की वैल्यू थी, तो
तो टी हाफ की वैल्यू के हिसाब से लेमडा की वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो मेरे पास एवरेज जो आ गया है, एवरेज टाइम इज 1.44 टाइम्स टी हाफ, डन, सिंपल है। फिर है बच्चा एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट एट टाइम टी वन एंड टी टू, दो अलग अलग टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो एक टाइम के लिए जिस टाइम पे हमने बात करी एट टी वन, टी वन पे हमारे पास क्या हुआ बच्चा, सिंपल फॉर्मूला था, नेचुरल लॉग ऑफ आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। ये क्या किया है मैंने, जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था 2.303, अगर मैं 2.303 हटा देता हूँ तो नेचुरल लॉग बन जाएगा लॉग की जगह। याद करो यहीं से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था कि नहीं, के टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन के, था ना यही वाला, यहीं से हमने फिर वहां से टाइम की वैल्यू निकाली थी। सेम मैं दूसरी इक्वेशन के लिए कर रहा हूँ, और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं आपस में माइनस कर देते हैं। जब मैंने माइनस किया तो लॉग ऑफ आर वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर टू इज इक्वल टू के टी वन माइनस आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और के कॉमन आकर टी टू माइनस टी वन आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/T2 माइनस टी वन नेचुरल लॉग ऑफ आर वन बाई आर टू, या 2.303 बाई टी होता था उसकी जगह टी टू माइनस टी वन आ गया लॉग ऑफ आर वन बाई आर टू। ये समझ में आई, ध्यान से देखो तो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, के की वैल्यू क्या होती थी, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई फाइनल कंसेंट्रेशन। अब यहाँ इनिशियल कंसेंट्रेशन वो नहीं है जो एक पहले की गिवन थी, एक बीच के टाइम की ले ली हमने कि 5 मिनट के बाद इतनी कंसेंट्रेशन थी, 10 मिनट के बाद इतनी थी, तो 5 मिनट के बाद वाली आर वन, 5 और 10 मिनट के बाद वाली आर टू, और वो टी वन माइनस टी टू वही जो 10 और 5 के बीच का टाइम का गैप है। तो ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, ये एक तरह से उसी टॉपिक को एक अलग फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसकी कोई अलग से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में अगर मैं लॉग हटाना चाहता हूँ, एंटी लॉग ले लूँ, तो लॉग हटाने के लिए जब मैं लूँगा तो एक्सपोनेंट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। इस फॉर्म में मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये जो ग्राफ है ये कुछ नए नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि अगर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो हमारे पास रेट जो होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड के लिए आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्ड में आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन रहता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सिग्निफिकेंस में क्या है बच्चा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑल द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओबे द फॉलोइंग इक्वेशन। जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो सारी की सारी k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन होगी। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है बच्चा, ये k की वैल्यू जो हमारे पास थी, ये बेसिकली क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जो भी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होगी वो हमेशा इस इक्वेशन को, जो भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा वो हमेशा इस इक्वेशन को ओबे करेगा ही करेगा। सिंपल चीज है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी कॉन्स्टेंट, अगर k की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कब होती थी, जिस टाइम पे रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता था, है ना, जिस टाइम पे हमारा रिएक्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ देखो, और इसका जब हम ग्राफ बना रहे थे लॉग ऑफ आर नॉट इंटरसेप्ट, लॉग आर के साथ हमने जब टाइम के साथ ग्राफ बनाया तो यही वाला बना था जिसका स्लोप क्या आया था, माइनस के बाई 2.303। डन, ये दोनों ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, और इन्हीं के ये सारे केसेस को कंबाइन करके यहाँ लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं है, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था पूरा, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज बस एक जगह कलेक्शन कर दिया हमने। अब हमारे पास आता है बच्चा ये ऑस्टवर्ल्ड्स आइसोलेशन मेथड। यहाँ पे देखो इसने किया क्या था, ये अलग से अगर मैं सिलेबस के अंदर बात करूँ कि भाई क्या ये सिलेबस में है, नहीं है, सिलेबस वाइज नहीं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के थ्रेटिकल तरीके से समझाया हुआ है, और इसको थ्रेटिकल नहीं था, बेसिकली लैब में परफॉर्म किया गया था और उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था। याद करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे आया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, उसको हम थ्रेटिकली नहीं निकाल सकते थे, तो कोई तो एक्सपेरिमेंट होगा जिससे वो डिटरमाइन किया जा रहा है, तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल रहे हैं, क्लियर है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किया क्या, देखो एक बात समझो, अगर मैं दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करा रहा हूं, मेरे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स है, और एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बहुत एक्सट्रीम हाई है, लेट अस अज्यूम 50 लीटर्स, और दूसरे वाले की कितनी है, 250 ml, एक की 50 लीटर और एक की 250 ml, कोई कंपैरिजन नहीं है। जब 250 कंज्यूम भी होगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा भी, तो 50 लीटर वाली वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा दैट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 50 ml 50 लीटर वाली वॉल्यूम का जो कंपाउंड है उसका नाम मैं ए रख लेता हूँ और 250 वाले का नाम मैं बी रख लेता हूँ, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एंड द एंटायर रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओनली। होगा कि नहीं, ये बात समझ में आई है? अगर मान लो मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ तीन रिएक्टेंट्स ले लेते हैं ए बी और सी, मिला जुला के ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां पर इस ए के लिए हम एक काम करते हैं, पहले ए की जो कंसेंट्रेशन है वो एक्सट्रीमली हाई रख लेते हैं, बहुत ज्यादा। अगर ये ग्राम में है तो ये हम काफी ज्यादा केजी में रख लेते हैं, वही 250 ml या 50 ml और 50 लीटर का हिसाब रख लो। तो उसके हिसाब से अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी तो कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गई है, चेंज नेग्लिजिबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ बी और सी पर डिपेंड करेगा। ये पहले हमने नोट डाउन कर लिया, हमने क्या नोट डाउन किया, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन बी एंड सी। फिर हमने ए को वेरी करने दिया और अब बी को एक्सट्रीमली हाई कर दिया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए और सी पर डिपेंड करेगा। फिर हमने यही काम सी के लिए किया, रेट ऑफ रिएक्शन अब ए और बी पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से हमने बार बार रिपीट करके हमने क्या कंडीशंस निकाल ली कि इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शन किस किस कंसेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, अब इसको साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो क्लियर होता जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और उसी चीज़ को इन्होंने फिर ओवरऑल रिजल्ट बना दिया था कि ये जो डिपेंडेंसी है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज देन इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। ये कब है? This method was introduced by Ostwald in 1902 and it is used to find the order of reaction with respect to one reactant at a time. किसके रिस्पेक्ट में? One reactant at a time. जैसे यहाँ मैं एक एक कर रहा था, ये काम करते हैं, पहले ऐसा करो बच्चा, ए की बढ़ा दी और बी की बढ़ा दी और सिर्फ सी पे डिपेंडेंसी रख लेते हैं। हर बार किसी दो की बहुत ज़्यादा कर लो और एक की कम कर दो तो सिर्फ एक पे डिपेंड करता जाएगा। समझ में आइए मैंने क्या बोला? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार ये वाला बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक एक की बढ़ाई थी, उससे मल्टीपल इक्वेशंस बन जाएंगे और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब सिंपल अपना वो सिंपल फैक्ट वो रखते हैं, जो फंडा इसने ऑस्वाल्ड्स ने रखा था ए बी और सी। ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये जो रिएक्शन है इसमें अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन और बी की एक्सट्रीमली हाई करता हूँ तो रेट सिर्फ सी पे डिपेंड करेगा। मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन सी आ गई कि नहीं। सिमिलरली अब मैं ए को रख के बी और सी की एक्सट्रीमली हाई कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, ऐसे ही रहेगा। और अगली बारी में मैं बाकी दोयों की बढ़ा के एक लास्ट की रख लूं तो हर बार मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल कंपाउंड्स ऑन इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स आ जाएगा कि नहीं। उसी को करते हुए हमने फिर क्या किया, देन द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्टेंट फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट। This method is based on the principle that if the concentration of all but one reactant is taken in excess, एक की बहुत ज़्यादा excess में ले लिया हमने, then during the course of the reaction, the concentration of those reactant taken in excess will remain, एक ही नहीं मतलब जो भी हमारे पास reactant है किसी एक को कम रखे बाकियों की बहुत ज़्यादा excess में रखी, तो हमारा order of reaction किस पे depend करेगा, rate will correspond to the concentration of the reactant whose concentration is small. समझ में आइए, जो एक्सेसिव अमाउंट में रिएक्टेंट्स हैं उनको छोड़ के जो एक हमने कम अमाउंट में रखा है सिर्फ उस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद अदर रिएक्टेंट वन बाय वन एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड। द ओवरऑल ऑर्डर विल बी सम ऑफ द ऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द जनरल रिएक्शन ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिव्स प्रोडक्ट। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं बच्चा, Suppose we isolate A by taking B and C in excess. हमने क्या किया, B और C को बहुत excess में लिया और A को कम करा, तो अब हमारा जो order of reaction सिर्फ A पे depend करेगा। फिर and get the order of reaction with respect to A. Let us assume वो P आ गया। Similarly, we isolate B by taking A and C in excess and isolate C by taking A and B in excess and got the order with respect to B say Q and C say R. Then order of reaction is the total algebraic sum of the individual dependency, that is n will be equals to p plus q plus r. किसी को दिक्कत है इसमें? एक्सपेरिमेंट समझ में आई है? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे।
अब आता है बच्चे हाफ लाइफ पीरियड मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इफ द रिएक्शन इज ऑफ nth ऑर्डर, हमें नहीं पता है कौन सा जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, nth ऑर्डर का अगर हमारे पास रिएक्शन है इन रिएक्टेंट्स, देन द हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1th पावर ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये हमारा रिलेशन होता है बच्चा, ये सीधा सीधा याद रखना है, क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1th पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज c1 एंड हाफ लाइफ पीरियड इज t हाफ, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन इज c2 एंड हाफ लाइफ इज टी हाफ टू, टी हाफ वन और टी हाफ टू समझ में आ रही है, तो हमारे पास टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cn-1 या टी हाफ वन इज c1n-1 और टी हाफ टू c2n-1, वो इनवर्सली रिलेटेड थे, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। समझ में आया, पक्का लिख के कराने की जरूरत तो नहीं और आगे। इसको अब हम एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं, जब मैंने लॉग लिया तो लॉग ऑफ t1/2 अपॉन t2/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जब मैं लॉग लूंगा तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, n-1 आगे आ जाएगा, है ना, पता है बच्चा सबको ये, तो n-1 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, आगे आ गया ये, और लॉग ऑफ c2/c1 आ गया। तो यहाँ से मेरे को n निकालना है अगर, तो वो 1 + log of t½ of 1st अपॉन t½ of 2nd डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ c2/c1। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमारे पास अगर मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड है और कंसेंट्रेशंस हैं तो मैं वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। थ्रेटिकली निकाल दिया हमने, अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड पता होगा तो, किसी को परेशानी, ठीक है, चलो इसी के बेसिस पे बचाइए, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन है, डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में ये सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके रखने हैं बच्चे, डन है, नेक्स्ट क्लास में इसी के डाउट्स के साथ मिलेंगे सारे इन क्वेश्चंस के, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक छोटा सा कवर कर लेते हैं अभी, सूडो केमिकल रिएक्शन। अब सूडो का मतलब क्या होता है बेटा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इमेजिनरी, जो सच नहीं है, हमने बस मान लिया है। तो यहाँ क्या होगा, लेट अस अज्यूम a+b गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रेट हमारा एक सिंपल रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू k times ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ a एंड कंसेंट्रेशन ऑफ b, यही है। अब यहाँ देखो बच्चे, मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना रखा है 0.01, बी कितनी रखी है 55.5, जो कि अगर रिड्यूस भी होगी तो 55.49 हो जाएगी। ये हमने वही कर दिया, ए और बी में से एक को बहुत एक्सेस और एक को बहुत कम रख दिया, तो ऐसे में रेट सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा, रेट सिर्फ उस वाले पे डिपेंड करेगा जिसकी कंसेंट्रेशन कम है, जो हमने अभी ओस्टाल्स एक्सपेरिमेंट में करा था, ओस्टवाल्स एक्सपेरिमेंट में सेम वही बात थी कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है यहाँ पे ए और बी, इन दोनों में से मैं अगर एक की बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में कंसेंट्रेशन ले लेता हूँ और एक की बहुत कम रहेगी, तो इसकी कंसेंट्रेशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आएगा, अगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आएगा तो सारा जो रेट रहेगा वो सिर्फ इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं। तो ऐसे में ये रिएक्शन जो के नॉट है वो क्या आ गया हमारे पास, के बी के इक्वल, जो यहाँ के नॉट है वो किसके इक्वल है बच्चा, के बी के इक्वल। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन था ये वाला फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और जब सिर्फ एक की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये किसी सर्टेन कंडीशन में, अंडर सर्टेन कंडीशन, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है, बट सच में फर्स्ट ऑर्डर नहीं था। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट, ये एग्जाम्पल है, CH3CO C2H5 प्लस वाटर, एसिडिक मीडियम के अंदर जब हमने रिएक्ट कराया तो CH3COH प्लस C2H5OH बना हमारे पास, मॉलिकुलरिटी कितनी है, दो की। लेकिन अगर मैंने किया द कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन वाइल वाटर इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज अमाउंट दैट इट्स कंसेंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड, मैंने क्या किया, इथाइल एसीटेट जो हमारे पास है
इसको किसी गिवन वॉल्यूम में रखा है, लेकिन जो वाटर है वो क्या, ये तो बहुत ज्यादा एक्सेस में, अगर वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो इसके अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। जब इसकी कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो हम इनडायरेक्टली क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इथाइल एसीटेट एंड हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो रेट इज इक्वल टू के टाइम्स CH3COOC2H5 इनटू H2O। तो ये जो हमारी पूरी वैल्यू है इसको मैं पूरे को कांस्टेंट मान लूं, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन में तो चेंज आएगा ही नहीं, इस कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ये है ही बहुत एक्सेसिव अमाउंट में। तो इस पूरे को मिला जुला के एक नया कांस्टेंट K लिख दूं मैं, मैंने वो लिख दिया, तो हमारा जो रिएक्शन अदरवाइज मॉलिकुलरिटी के बेसिस के हिसाब से देखें तो शायद कोई और ऑर्डर होता, यहाँ पे हमारे ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा, डन है। तो हमारे पास क्या है बच्चा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज द सेम एज इट्स मॉलिकुलरिटी। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन था तो मॉलिकुलरिटी 2 थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होना चाहिए था, बट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हेंस इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डन है बच्चा। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, मल्टीपल ब्रेकडाउन नहीं हो रहे हैं, एक ही स्टेप में सारा हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चा, न्यूमेरिकल्स ये सारे क्वेश्चंस करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमारा कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। डन।